प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे मॉडल की, और मॉडल के अंतर्गत हमने आपको यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे का प्रयोग जो था कल कंप्लीट करा दिया था। आज के पार्ट में चर्चा करेंगे इसके यूज ऑफ माइट की। क्या होता है यूज ऑफ माइट? यूज ऑफ माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। यह छीड़ संभावना, दूरस्थ दृढ़ संभावना, हेजिटेशन यानी झिझक, संकोच आदि को दर्शाता है। मे जो था, मे का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। मे की ही क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है। देखो बताओ कहां यूज होता है, नोट करो। इस मॉडल का प्रयोग, इस मॉडल का प्रयोग मे की, इस मॉडल का प्रयोग मे की पास्ट फॉर्म के रूप में, मे की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, किया जाता है। देखो बताओ इस मॉडल का प्रयोग मे की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। आगे लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत रिमोट, स्ट्रॉन्ग रिमोट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, रिमोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दूरस्थ दृढ़ संभावना, दूरस्थ दृढ़ संभावना, हेजिटेशन, झिझक या संकोच, हेजिटेशन, झिझक या संकोच, कॉमा अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक, अवास्तविक स्थिति, अवास्तविक स्थिति, परपज, परपज उद्देश्य, परपज उद्देश्य आदि को, आदि को दर्शाने के लिए, आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है, आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो बेटा दोबारा से, यानी यूज ऑफ माइट क्या है? यूज ऑफ माइट, देखो इस मॉडल का प्रयोग, यानी यूज ऑफ माइट का प्रयोग मे की, यानी किसकी बेटा? मे मॉडल की पास्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। इस मॉडल का प्रयोग मे की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत रिमोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हिंदी अर्थ है दूरस्थ दृढ़ संभावना, क्या हिंदी अर्थ है? दूरस्थ दृढ़ संभावना, कॉमा हेजिटेशन जिसे बोलते हैं झिझक, क्या बोलते हैं? झिझक या संकोच भी कह सकते हैं। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन का हिंदी अर्थ है अवास्तविक स्थिति, अवास्तविक स्थिति, कॉमा परपज, परपज का हिंदी अर्थ है उद्देश्य, क्या हिंदी अर्थ है? उद्देश्य आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है, आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोबारा से देखो इस मॉडल का प्रयोग मे की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत रिमोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दूरस्थ दृढ़ संभावना, कॉमा हेजिटेशन झिझक, कॉमा
अनरियल सिचुएशन अवास्तविक स्थिति कॉमा पर्पस उद्देश्य आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखो बताओ, एग्जांपल नोट करो, टेक ए टैक्सी, टेक ए टैक्सी, यू खाली जगह, कैच द ट्रेन, यू खाली जगह कैच द ट्रेन, टेक ए टैक्सी, कहने का मीन सिंपल क्या आया कि एक टैक्सी ले लेते, यू कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकते थे। सेंटेंस में जो भाव है वो अनरियल सिचुएशन है, अवास्तविक स्थिति है, दुर्लभ संभावना दिख रही है। भाई जब आप घर से निकले, घर से लेकर स्टेशन की दूरी थी वो अवास्तविक थी, यानी दूर थी, दुर्लभ संभावना थी, लेकिन आपने सोचा कि मैं ट्रेन में आसानी से बैठ जाऊंगा। आप घर से निकले और आपने स्टेशन पे जैसे पहुंचे तो ट्रेन को जाते हुए संभावना, जाते हुए पाया, तो थोड़ी सी यानी क्या हो गई, दुर्लभ संभावना हो गई। तो तब वहां कोई व्यक्ति बैठा था, तब वहां कोई व्यक्ति था, उसने आपसे कहा कि घर से यदि तुम जाते टैक्सी लेकर आती तो यू माइट कैच द ट्रेन, तो ट्रेन पहुंच गया, हो सकते थे तुम बैठ सकते थे, सवारी कर सकते थे, तो किसका भी हो गया, माइट का बेटा। अगला देखो एग्जांपल सेकंड, द स्काई इज क्लियर नाउ, द स्काई इज क्लियर नाउ, अब आकाश स्वच्छ है, इट खाली जगह रेन टू नाइट, इट खाली जगह रेन टू नाइट, आज अब जो है आकाश स्वच्छ है, बारिश रात तक हो सकती है, दूरस्थ दृढ़ क्या है बताओ, संभावना है, तो इसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा, माइट का। अगला देखो खाली जगह, आई आस्क ए क्वेश्चन, खाली जगह आई आस्क ए क्वेश्चन, इसमें बेटा डेफिनेट परमिशन है, डेफिनेट परमिशन, संशयात्मक अनुमति नंबर फोर, ही आस्क्ड मी इफ, ही खाली जगह बोरो ए कार, बोरो ए कार। देखो बताओ आपके सामने चार सेंटेंस लिखे हुए, चार वाक्य लिखे हुए, चारों के अंतर्गत पोजीशन ये कह रही है बताओ। पहला मैंने बताया कि फर्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत आपकी दूरस्थ संभावना है, इसलिए किसका प्रयोग होगा इसमें, माइट का। दूसरा कह रहा था स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश अब स्वच्छ है, लेकिन बताओ टू नाइट क्या हो गई, दूर की संभावना हो गई, भाई दिन है फिर रात आएगी तो दूरस्थ संभावना भी, तो रात तक क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत किसका प्रयोग हो गया बेटा, माइट का, किसका हो गया, माइट का। अगला कह रहा है आई आस्क ए क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, इसके अंतर्गत डिपेंडेंट परमिशन है, कौन सी परमिशन है, डिपेंडेंट परमिशन, संशयात्मक अनुमति, क्या बोलेंगे इसे, संशयात्मक या शंकात्मक, संशयात्मक या शंकात्मक, माना मैंने किसी स्टूडेंट को खड़ा किया और स्टूडेंट को खड़ा करने के बाद मैंने उससे ना कुछ वैसे पूछने के लिए नहीं कहा कि मैं ये पार्ट पूछूंगा वो पार्ट पूछूंगा, और डायरेक्ट मैं उससे कहा कि मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो उसके मन में क्या आ जाएगा, एक संशयात्मक अनुमति आ जाएगी, पता नहीं किसके बारे में पूछने वाले, यानी यहाँ पे जो भाव है मेरा पूछने का वो अनरियल है, अवास्तविक है। जब भाव ही क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है बेटा, माइट का, यानी माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अगला वाक्य बताओ, कंडीशन अपने आप दिख रही है, पास्ट टेंस में आ गई, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी कार को उधार ले सकता हूं, तो किसका प्रयोग हो सकता है, माइट का, सीधा सीधा हो गया, दुर्लभ संभावना, यानी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, हेजिटेशन है, झिझक है, भाई कोई कार देने में संकोच करेगा थोड़ा सा, तो पहले में क्या हो गया दुर्लभ संभावना, दूसरे वाक्य में भी दुर्लभ संभावना की स्थिति है वास्तविकता की, तीसरे वाक्य में डिपेंडेंट परमिशन है, और चौथे वाक्य में आपकी झिझक है, संकोच है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट नोट करो बेटा, दूसरा पॉइंट है इसका माइट का,
देखो नंबर सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड क्या कह रहा है, यदि किसी बाइक में यदि किसी सेंटेंस में या किसी बाइक में सो दैट शब्द पास्ट टेंस के साथ दिया गया है तो वहां यदि किसी बाइक में सो दैट शब्द, कौन सा शब्द, सो दैट शब्द किसके साथ, पास्ट टेंस के साथ दिया गया है तो वहां माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है, वहां माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा सेंटेंस कह रहा है यदि किसी बाइक में क्या शब्द है, सो दैट, क्या आ जाए, सो दैट शब्द किसके साथ आ जाए, पास्ट टेंस के साथ, किसके साथ बेटा, पास्ट के साथ, यानी यदि किसी, अगर सो दैट प्रेजेंट के साथ आ रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा, मे का, किसका यूजेज हो जाएगा, मे का बेटा। लेकिन यहां पर ये कह रहा है अगर सो दैट शब्द पास्ट टेंस के साथ दिया गया हो तो वहां माइट मॉडल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह माइट मॉडल लगाते हैं, ध्यान रखना अगर उसके साथ दिया गया है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नोट करो, ही डाइड सो दैट अदर्स खाली जगह वी लिव, क्या कह रहा है सेंटेंस, कह रहा है ही डाइड, वह मर गया, सो दैट ताकि अदर्स अन्य लोग वी लिव जीवित रह सके, माइट मॉडल का प्रयोग हो जाएगा, किसका बेटा, माइट का। लेकिन होगा क्यों, इसलिए होगा कि भाई जो डाई है, डाइड शब्द है, ये पास्ट का हो गया, किसका हो गया, पास्ट का, और किसके साथ जोड़ा गया है, सो दैट के साथ। तो ध्यान रखना अगर सो दैट प्रेजेंट टेंस के साथ जोड़ा जाए, सो दैट को यानी प्रेजेंट टेंस के साथ जोड़ा जाए तो वहां पर आपका जो मॉडल होगा वो मेन मॉडल होगा, और सो दैट को अगर पास्ट के साथ जोड़ा जाए तो वहां पर कौन सा मॉडल होगा, माइट मॉडल होगा। देखो और एग्जाम्पल नोट कर लो, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी खाली जगह पास इन द एग्जाम, क्या जाएगा बताओ। देखो वर्कड शब्द किसके साथ दिया गया, सो दैट के साथ, तो क्या गया इसमें, माइट, क्या गया, माइट। यानी ध्यान रखना अगर टेंस आपका प्रेजेंट है तो वहां पर कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, मे का, और यदि आपका टेंस कौन सा है, अगर आपका टेंस पास्ट है तो वहां पर माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा इसके बाद चर्चा करेंगे हम यूज ऑफ मस्ट की, ये कंप्लीट हो गया अपना माइट, अगला मॉडल हेडिंग लगाओ यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग अक्सर कर पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है, जो मस्ट बड़ा अच्छा मॉडल है, चर्चा करेंगे इसकी। हाँ जी हेडिंग करा लो यूज ऑफ मस्ट, नंबर 5 है यूज ऑफ मस्ट, निश्चितता या आवश्यकता, इसका अर्थ देता है निश्चितता या आवश्यकता का हिंदी अर्थ देता है। लिखो बेटा इसके अंतर्गत इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में
चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में, इसके अर्थ में बताओ चाहिए के, यानी ध्यान रखना चाहिए के अर्थ में किया जाता है। यह आवश्यकता, यह आवश्यकता कोमा अनिवार्यता, आवश्यकता कोमा अनिवार्यता कोमा वैधता, वैधता कोमा निश्चितता, निश्चितता कोमा तार्किक निष्कर्ष, तार्किक निष्कर्ष आदि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नोट करो बताओ, यानी यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग देखो चाहिए के अर्थ में, किसका अर्थ निकलेगा चाहिए की, इसके अंतर्गत आवश्यकता यानी कंपल्सरी अनिवार्यता नेसेसरी वैधता ऑब्लिगेशन निश्चितता यानी नेसेसिटी या सर्टेनली तार्किक निष्कर्ष लॉजिकल फैक्ट, तार्किक निष्कर्ष लॉजिकल फैक्ट आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है, आदि को व्यक्त करने के लिए होता है। एग्जांपल देखो भाई, नोट कर लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यू खाली जगह वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टू पास इन द एग्जाम, टू पास इन द एग्जाम। देखो बेटाओ यू माने तुम्हें वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना चाहिए टू पास इन द एग्जाम, परीक्षा में सफल होने के लिए। तो बेटाओ जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो तभी परीक्षा में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। निश्चितता का भाव है, किसका भाव है, निश्चितता का भाव है। तो ध्यान रखना कौन सा मॉडल आ जाएगा इसमें, मस्ट चाहिए के अर्थ में, किसके अर्थ में आया चाहिए के अर्थ में। नंबर सेकंड है अपना, देखो एग्जांपल बी खाली जगह पे आवर, बी खाली जगह पे आवर टैक्सेस कंपल्सरी। देखो भाव निकल के आ रहा है कि हमें हमारे टैक्स जो है, टैक्स माने आयकर, बी माने हमें पे माने चुकाने चाहिए, आवर माने अपने हमारे टैक्सेस माने आयकर, कर जो है कंपल्सरी माने निश्चित रूप से या अनिवार्य रूप से। बेटा अगर हम टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो वहां पे क्या बाध्यता लगेगी, सरकार हमें पनिश देगी, इसलिए हमें अपने टैक्सों को समय से चुकाना चाहिए, अनिवार्यता हो गई। यानी छिन के अंतर्गत कानूनी भी बाध्यता हो, कानून भी बाध्य करे ऐसी चीज आ गई। अब देखो बेटा कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे निश्चितता, इसलिए हमें परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जहां पे कोई ना कोई बाध्यता चीज आवश्यकता हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, तार्किक निष्कर्ष निकल के आए, तो ऐसी बाध्यों को दर्शाने के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया बेटा, इसके बाद इसका नंबर दूसरा पॉइंट नोट करो, नंबर दो, नंबर दो क्या कह रहा है देखो बेटा, यदि किसी, यदि किसी बाइक में, यदि किसी बाइक में सर्टेनली, यदि किसी बाइक में सर्टेनली कॉमा स्ट्रॉन्ग, लाइकलीहुड स्ट्रॉन्ग
एक मिनट बताओ, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड कॉमा एड एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक एडवाइस, एम्पैथेटिक एडवाइस कॉमा ऑब्लिगेंस आदि को सर्टेनली स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड एम्पैथेटिक एडवाइस ऑब्लिगेंस आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मस्ट मॉडल का, मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है, आदि को व्यक्त करने के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, यदि किसी वाक्य में, यानी किसी सेंटेंस के अंतर्गत सर्टेनली निश्चितता, क्या है सर्टेनली निश्चितता, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मींस है, यानी स्ट्रॉन्ग माने दृढ़, लाइक्लीहुड होता है यानी पसंद किया हुआ या दृढ़ इच्छा बोल सकते हैं। एम्फैटिक एडवाइस, एम्फैटिक का सशक्त सलाह, सशक्त सलाह, और ऑब्लिगेंस होता है बाध्यता, आदि को व्यक्त करने के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल है ही हैज फोरकास्ट, ही हैज फोरकास्ट, ही खाली जगह बी ए, ही खाली जगह बी ए रिच मैन, ये सेंटेंस है आपके सामने। नंबर सेकंड नोट करो, दूसरा वाक्य, दूसरा है बी खाली जगह पे, बी खाली जगह ऑल डाई, बी खाली जगह ऑल डाई। देखो बेटाओ, दो सेंटेंस है आपके सामने, यानी दोनों वाक्यों में, दोनों सेंटेंसेस के अंतर्गत क्या दी गई है, देखो ही है फोरकार, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, चार गाड़ियां हैं, ही खाली जगह भी है रिच मैन, तो वो निश्चित रूप से धनवान होगा। भाई जिसके पास चार कारें हैं तो वो क्या होगा, धनवान होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, मस्ट यानी निश्चितता होगा, सर्टेनिटी होगी, निश्चितता का भाव है। बी ऑल डाई, तुम सभी को इधर मरना है कि नहीं मरना है, यानी निश्चितता है, बताओ प्रकृति का नियम है, तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, मस्ट का प्रयोग हो गया। किसका, मस्ट का, यानी दोनों वाक्यों के अंतर्गत सशक्त सलाह, ऑब्लिगेंस, सर्टेनली निश्चित, ये आदि अगर दिखाई दे जाए तो इन्हें दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, मस्ट के अंतर्गत। बताओ तीसरा पॉइंट नोट करो, नंबर तीन है बेटाओ, हाँ जी, नंबर तीसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यानी यदि किसी वाक्य में फॉरवर्डन और प्रोविडेंट शब्द दिखाई दे जाए, फॉरवर्डन और प्रोविडेंट दोनों शब्द दिखाई दे जाए, तो वहां मस्ट के साथ नॉट शब्द और लगा देते हैं। नोट कर लो आप, देखो यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में फॉरवर्डन या प्रोविडेंट निषेध या मना करना, निषेध या मना करना
निषेध या मना करना। शब्द आ जाए तो वहां, शब्द आ जाए तो वहां, इनके साथ मस्ट नॉट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। देखो विद्यार्थियों, यानी ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में आपको क्या दिखाई दे जाए, यानी या तो फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड। फॉरबिडन का मतलब है निषेध या मना करना, क्या आ जाए, निषेध आ जाए या फिर मना करना शब्द आ जाए। ये शब्द अगर आपको दिखाई दे जाए तो वहां इनके साथ मस्ट नॉट, तो वहां इनके साथ मस्ट नॉट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यानी इनके साथ जो यूजेज होता है वो क्या होता है बेटा, मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। किसका होता है, मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखो इसके अंतर्गत नीचे लिखो बेटा नोट एग्जाम्पल नोट करो इसमें नंबर फर्स्ट पीओपल खाली जगह नॉट पार्क डियर कार डियर कार डियर। नंबर सेकंड यू खाली जगह नॉट टेक पॉइजन नंबर थर्ड यू खाली जगह नॉट प्लक द फ्लावर्स प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। देखो बेटा तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला जो वाक्य है वो कह रहा है कि लोग जो है उनसे मना की जा रही है कि आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा मत करो। भाई लिखा रहता है ना बहुत सी जगह नो पार्किंग, यानी क्या लिखा रहता है, नो पार्किंग, तो वहां पे आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। करेंगे तो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो सीधा सीधा नॉट का भाव आ रहा है तो क्या लग जाएगा, मस्ट। दूसरा वाक्य यू खाली जगह नॉट टेक पॉइजन, तुम्हें जहर लेने की या जहर खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति है मना कर रहा है, निषेध कर रहा है कि जहर खाएंगे तो क्या होगा बेटा, निश्चित रूप से मरेंगे। क्या होगा, निश्चित रूप से मरेंगे। तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, मस्ट का। अगला है यू नॉट प्लक द फ्लावर इन द गार्डन। अक्सर जब आप उद्यान बगीचे कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है, तो वहां पे निषेध है, क्या है, मना है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप परीक्षा केंद्र में मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकते, निषेध है। आप रेलगाड़ी के अंतर्गत बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते, निषेध है। करेंगे तो सजा मिलेगी, करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, सजा मिलेगी। तो ध्यान रखना ये मस्ट जो है, मस्ट मॉडल आपका आज कंप्लीट हो गया। आगे की चर्चा जो है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।